हेलो दोस्तों, मैं हूँ आप सबका फ्रेंड रजनीश शुक्ला। मैंने एक बात आप लोगों को नहीं बताई थी कि मैं पोएम भी लिखता हूँ और श्रृंगार की पोएट्री लिखता हूँ। तो क्या होता है कि मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जब लड़का टीन एज में आ जाता है, जैसे 16-17 सालों की एज में, 17-18 में, तो उसके साथ तीन घटनाएं घटित होती हैं। पहली ये कि उसके ख्यालों में कोई ना कोई सपनों की रानी आने लगती है। दूसरी, कुछ दिन मेहनत करता है और फिर किसी न किसी से प्यार कर बैठता है। तीसरी बात ये, वो जिससे प्यार करता है वो लड़की अपने कास्ट की नहीं होती, इंटर कास्ट होती है। अब आप लोग तो जानते ही हैं, इंटर कास्ट मैरिज आजकल अलाउड है नहीं, तो घर वाले, रिश्तेदार सब लोग उसके दुश्मन हो जाते हैं। ठीक है, तो इन तीनों सिचुएशन पे मैंने अलग अलग कविताएं बनाई हैं। पहली कविता का नाम है ख्यालों की मलिका, दूसरी कविता का नाम है प्रेम पुजारी, और तीसरी कविता का नाम है वैरी जमाना। तो दोस्तों, आज इस काव्यखंड के सिलसिले में आपको मैं पहली कविता सुनाऊंगा, ख्यालों की मलिका। तो क्या होता है, सुनिएगा, लाइनें सुनिएगा, अगर पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा। काश मेरे ख्वाबों की मलिका आ जाए मेरे सामने, सब कुछ मैं बतला दूं उसको जो कुछ है मेरे दिल में। काश मेरे ख्वाबों की मलिका आ जाए मेरे सामने, सब कुछ मैं बतला दूं उसको जो कुछ है मेरे दिल में। सपनों में जब उसको देखूं खो जाता एहसासों में, सपनों में जब उसको देखूं खो जाता एहसासों में। दिल करता है सब कुछ कह दूं जो कुछ है मेरे मन में, दिल करता है सब कुछ कह दूं जो कुछ है मेरे मन में। जब से मैं पहुंचा हूं इन 17-18 सालों में, जब से मैं पहुंचा हूं इन 17-18 सालों में, एक अनजानी सी लड़की आने लगी ख्यालों में, एक अनजानी सी लड़की आने लगी ख्यालों में। जब भी मैं उसको देखूं कुछ अपनापन सा लगता है, जब भी मैं उसको देखूं कुछ अपनापन सा लगता है। दिल करता है रोज मिलूं मैं उससे अपने सपनों में, काश मेरे ख्वाबों की मलिका आ जाए मेरे सामने, सब कुछ मैं बतला दूं उसको जो कुछ है मेरे दिल में। दोस्तों सेकंड बन सुनिएगा, जिस दिन मैं ना देखूं उसको अपने सपनों ख्वाबों में, जिस दिन मैं ना देखूं उसको अपने सपनों ख्वाबों में, कुछ खाली खाली सापन रहता है मेरे दिल में। उसकी वो नीली आँखें, उसकी वो नीली आँखें, चेहरे की वो सादगी, उसकी वो नीली आँखें, चेहरे की वो सादगी, चीख चीख कर कह रही हैं वो है मेरी जिंदगी, चीख चीख कर कह रही हैं वो है मेरी जिंदगी। वो भी मुझको चाहेगी मेरे भी दिल से ज़्यादा, वो भी मुझको चाहेगी मेरे भी दिल से ज़्यादा, यही भरोसा हरदम हर पल रहता है मेरे दिल में। काश मेरे ख्वाबों की मलिका आ जाए मेरे सामने, सब कुछ मैं बतला दूं उसको जो कुछ है मेरे दिल में। दोस्तों ये थी आज की कविता। अगर आप इस कविता को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल को हमारे सब्सक्राइब करेंगे, तभी मैं नेक्स्ट कविता जो हमारी है, जिसका टाइटल है प्रेम पुजारी, जो कि इससे भी सुपरहिट कविता होने वाली है, वह मैं डालूंगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग हमारी इस कविता को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें और हमारे चैनल के सब्सक्राइब करें, और वो जो क्लिक वाला बटन है बेल आइकन, उसको ज़रूर दबाएं। धन्यवाद दोस्तों, मिलता हूँ अगले बार अगली कविता के साथ। आप लोगों को ढेर सारा प्यार।